अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिचिंग विद ग्रीन गर्ल। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए देखिए, मेरे पास एक सिंपल लॉन की प्रिंटेड कमीज़ है। जैसे कि पाकिस्तान में ये अमूमन 1500-2000 में सिंपल सूट मिलता है, जिसके फ्रंट साइड, बैक साइड और बाजू अलहदा होते हैं। इसी तरह ये मेरी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। हम इसको काट के फ्रंट और बैक साइड को इस तरह खोल के मैं काटूँगी और अलहदा कर लूँगी, और इनके बॉर्डर को भी मैं उतार लूँगी। आपने बॉर्डर को मैं आधा इंच ज़्यादा ऊपर वाली साइड से उतारूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में आएगा। चलिए मैं अब काट लेती हूँ। अब ये देखें, ये हमारी फ्रंट साइड है, अब ये नेक है, और ये साथ में मैंने बॉर्डर को उतार लिया है। बॉर्डर का आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर वाली साइड पे आधा इंच ज़्यादा लिया है। अब मैं अपने बॉर्डर को साइड पर करूँगी, और अब आपको मैं अपनी प्लेट का दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा दरमियान में जैसे नेक बना हुआ है, तो मैं दरमियान वाले नेक पर प्लेट नहीं डालूँगी, बल्कि साइड पर प्लेट डालूँगी, और मैं अपनी प्लेट्स की गहराई 1 इंच रखूँगी। आप अपने प्लेट्स अपने हिसाब से रखेंगे, अपने कपड़े के हिसाब से, कि आपकी कितनी प्लेट्स आएंगी और वो कितनी गहराई में होंगी कि उसमें आपकी चेस्ट कवर हो जाए। आपने अपनी प्लेट्स का यही ध्यान ज़रूर रखना है कि आपकी प्लेट्स इतनी हो और उनकी गहराई इतनी हो जिसमें आपकी अपनी चेस्ट का साइज़ कवर हो जाए। सबकी चेस्ट का साइज़ डिफरेंट होता है, इसलिए आपको मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही कि आप इतनी प्लेट्स डालें या इतनी गहराई में डालें, क्योंकि वो आपके अपने हिसाब से होगा। आप प्लेट्स डालने से पहले मैं अपने कपड़े को ये देखें इस तरह हम फोल्ड करेंगे कि दरमियान में से हम नेक की बिल्कुल दरमियान में तय बिठाएंगे, और फिर हम इसको मैं प्लेट्स डालना बताती हूँ। अब ये देखें, मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों को ऊपर नीचे रख दिया है। ये देखें, ये मेरी फ्रंट साइड को फ़िलहाल मैंने ऊपर रखा है, बैक साइड को हम प्लेट्स बाद में डाल लेंगे। ये देखें, मैं अपने 4 प्लेट्स डालूँगी, और एक प्लेट का जो डीप होगा वो 1 इंच होगा। अब ये देखें, यहाँ नेक के साथ मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। अब इससे अगला निशान हम लगाएंगे 1 इंच के वक्फे पे। ये देखें इस तरह से, ये जो 2 इंच वाला निशान है ये हमारा प्लेट होगा, क्योंकि जब ये प्लेट फोल्ड होगा तो ये 1 इंच का टोटल प्लेट होगा। इसी तरह मैं निशान लगाती जाऊँगी, पहले 2 इंच का निशान, फिर 1 इंच का, फिर 2 इंच का, फिर 1 इंच का। इस तरह मैं 4 2 इंच वाले निशान लगाऊँगी, क्योंकि हम 4 प्लेट्स डालेंगे, और ये प्लेट्स हमारे अपनी चेस्ट के हिसाब से हैं, आप अपनी चेस्ट के हिसाब से लेंगे। सबसे पहले ये देखें, मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं की। सबसे पहले हम इसके प्लेट्स डालेंगे, फिर हम कटिंग करेंगे, मतलब हम अपने कंधों की या चेस्ट वगैरह की कटिंग प्लेट्स डालने के बाद करेंगे। अब इसी तरह मैं आपको बता दूँ कि हम अपने प्लेट्स की लंबाई कितनी लेंगे। हम अपने प्लेट्स की लंबाई 15 इंच। ये देखें, मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया। अब दूसरे कॉर्नर पर भी मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी, और इसे एक सीधी तरह लाइन इससे खींच दूंगी, ताकि आपको प्लेट्स लगाने और समझने में आसानी हो। इसी तरह जैसे मैंने ऊपर निशान लगाए हैं, इसी तरह मैं नीचे भी निशान लगाऊंगी, यानी कि एक निशान 2 इंच पे, फिर 1 इंच पे। इस तरह मैं जितने निशान ऊपर लगाए, यानी कि 4 प्लेट्स के, उतने ही निशान ये देखें मैंने इस तरह नीचे भी लगा लिए। अब मैं अपने ऊपर वाले 2 इंच के निशान से नीचे वाले 2 इंच के निशान को इस तरह लाइनों की सूरत में मिला लूँगी, ताकि आपको समझने में अच्छी तरह आपको समझने में आसानी हो, समझ भी आ जाए, और आपको प्लेट्स डालने और उनके निशान वगैरह भी लगाने आसान हो। इस तरह ये देखें, मैंने तकरीबन अपने सभी प्लेट्स के निशान लगा दिए। अब ये देखें, ये जो हमारा 2 इंच वाला वक्फा है चौड़ा, ये हमारा प्लेट्स होगा, और 1 इंच वाला कपड़ा हमारा नज़र आएगा। अब यहाँ मैं आपको अपनी लेंथ भी बता देती हूँ। हमने अपनी लेंथ की है, हमारी तैयार लेंथ 35 इंच है, जिसमें से 1.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे कटिंग वगैरह के लिए, इसलिए मैंने 36.5 इंच ली। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड पर भी 36.5, यानी कि आपकी जितनी भी तैयार लेंथ हो आपने उसमें 1.5 इंच प्लस कर लेना है। मैंने भी अपनी तैयार लेंथ में 1.5 इंच प्लस किया है। हमारी, मैं फिर बता दूँ, तैयार लेंथ 35 इंच, और ये कटिंग के वक्त 36.5 इंच है। अब ये देखें, मैं इसे इस तरह सीधा काट दूँगी, क्योंकि ये हमारी शॉर्ट फ्रॉक है, इसलिए इसकी लेंथ हमने 35 इंच रखी है। अब ये देखें, 2 इंच वाले प्लेट को मैं ऊपर से भी और नीचे से भी इस तरह पकड़ेंगे, और हम इस तरह प्लेट डालेंगे। ये जो मैंने सिलाई लगा निशान लगाया है, इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम अगला प्लेट भी डालेंगे, और ये देखें, इसके दरमियान जो 1 इंच वाला वक्फा है वो हमारा नज़र आएगा। चलिए अब मैं प्लेट डाल लेती हूँ। देखिए, मैं अपना सबसे पहला नेक के साथ वाला प्लेट डालूंगी। देखिए, मैंने इन्हें इस तरह से तय भी बिठा लिया। आप चाहें तो तय बिठाएं, ना चाहें तो ना भी बिठाएं। अगर आप तय बिठा लेंगे तो कपड़े की सिलवट निकल जाएंगे, तो आपको आसानी रहेगी। अब ये देखें, निशान के ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। ये हमारा पहला प्लेट है,
और हम इस निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए 15 इंच तक जाएंगे। और यहाँ से मैं अपनी सिलाई को इस तरह वापस मोड़ लूँगी और सिलाई को पक्का करके निकाल देंगे। ये देखें, ये हमारा पहला प्लेट हो गया। मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखा दूँ, ये देखें इस तरह से ये हम होगा। अब हमारा सेकंड वाला प्लेट, यानी कि फिर 2 इंच वाला जो निशान है, उसे हम इस तरह दरमियान में से पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह, मैं अपना दूसरा प्लेट भी डाल लूँगी। फिर हम अपनी सिलाई को वापस लेके पक्का करेंगे और निकाल लेंगे। अब मैं अपना तीसरा प्लेट भी इसी तरह डालूँगी, यानी कि जो हमारे, मैं फिर आपको बार बार इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आपके कपड़े ख़राब ना हो। हमारा जो 2 इंच वाली निशान है, हम उनको पकड़ के प्लेट डाल रहे हैं, जो अंदर 1 इंच है वो हमारा वैसा नज़र आएगा। अब ये देखें, ये मेरा चौथा प्लेट मैं डाल रही हूँ, ये हमारा लास्ट वाला प्लेट है। हम दोनों साइड्स पे नेक को छोड़ के चार चार प्लेट्स डाल रहे हैं। ये आपके अपने नेक डिज़ाइन पे भी होगा कि आप किस तरह के प्लेट डालेंगे। ये देखें, ये हमारा चौथा नेक डिज़ाइन भी हो, चौथा प्लेट भी हो गया। अब ये देखें, ये मैं आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। इस तरह ये मेरे चार चार प्लेट्स आए हैं, ये मैंने दोनों साइड पे डाले हैं। आप इसी तरह निशान लगा के फ्रंट साइड और बैक साइड पे भी डालेंगे। ये देखें, बैक साइड पे भी दरमियान में मैंने उतना ही कपड़ा छोड़ा है जितना हमारा फ्रंट साइड का, तो हमने नेक की वजह से छोड़ा था, लेकिन बैक साइड का भी हम दरमियान में से उतना ही कपड़ा छोड़ेंगे। अब ये देखें, हम इसे फिर इस तरह तय करेंगे और सीधी साइड को अंदर रख के कटिंग करेंगे। अब ये देखें, अब मैंने नीचे वाली साइड रखी हुई है प्लेट डाल के, और ऊपर वाली साइड भी हमने दोनों साइडों को, यानी कि फ्रंट और बैक साइड के प्लेट डाल के इनको ऊपर नीचे इस तरह दरमियान में सेट करके रख लिया है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे जैसे हम कमीज़ की कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तीरे का निशान मैं लगा रही हूँ 7 इंच पर। हमारा तीरा 14 इंच तैयार है, उसको फोल्ड करके हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को मैं इस तरह एक सीधी लाइन की सूरत में खींच लूँगी। खींचने के बाद आप यहाँ से अपनी चेस्ट का हिसाब रखेंगे कि आप अपनी चेस्ट का निशान कितना लगाएंगे। मैं अपनी चेस्ट का निशान 7 साढ़े 7 ही, मुमन इतना ही होता है, मैं भी इतना ही लगाऊंगी। ये देखें, मैंने ये 7 इंच लगा लिया और अब इससे मैं एक इस तरह सीधी लाइन खींच लूँगी। ये हमारा चेस्ट का निशान होगा, अपर चेस्ट का निशान। इसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे, इस निशान से नीचे 6 इंच। ये 6 इंच पर भी निशान, ये देखें, ये निशान मैंने 6 इंच पे लगा दिया। अब मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हमारा पहला चेस्ट का निशान है 7.5 इंच, और उसके बाद हमने अपना दूसरा वेस्ट का निशान लगाया है 6 इंच पे। यानी कि टोटल ये हमारा निशान पहला 7.5 इंच पे और दूसरा निशान 13 इंच पे आएगा। अब यहाँ से देखें, मैं अपनी चेस्ट का निशान लगा दूँगी। हम अपनी चेस्ट का चौथा हिस्सा निशान में लगाएंगे, जितनी आपकी तैयार चेस्ट हो। हमारे चौथा हिस्सा 9.5 इंच है, इसलिए हमने 9.5 इंच पे निशान लगाया। और अब इसी तरह मैं वेस्ट पे भी लगा दूँगी। वेस्ट का मेरा निशान है 8 इंच, ये देखें 8 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। अब मैं अपने इन दोनों निशानों को इस तरह तिरछा स्केल के साथ मिला लूँगी। मैं आपको बता दूँ कि हमारे ये दोनों निशान तैयार हैं, यानी कि हम कटिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में इसके अंदर रखेंगे। आपको बता दूँ कि हम अपनी इसमें हिप का निशान नहीं लगाते, सिर्फ चेस्ट और वेस्ट का लगाते हैं। और ये देखें, ये मैंने एक गुलाई की शेप दे ली है कंधे को भी। देखें इस तरह से ये हमारी कंधे की शेप होगी। इसके बाद मैं इस एक इंच अंदर की तरफ ज़्यादा लूँगी और इसे ऊपर के तीरे के निशान से इस तरह तिरछा मिलाऊँगी। ये हमारी कटिंग होगी फ्रंट साइड की, यानी कि सिर्फ फ्रंट पार्ट की। बैक साइड पर हम डीप कटिंग नहीं करेंगे, बैक साइड का हमारा निशान पीछे वाला ही होगा। अब ये देखें, इस तरह मैंने इसे तिरछा गुलाई में डीप निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर वाली साइड पे भी देखें, मैं हल्का सा इसे तिरछा इस तरह निशान लगा दूंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने तिरछा ये निशान भी लगा दिया। अब उसके बाद हम अपने वेस्ट वाले निशान से इसे नीचे थोड़ा सा इस तरह तिरछा शेप दे के अपनी निशान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हम अपने इस निशान को फुल लेंथ तक नहीं लेके जाएंगे। अब इसकी कटिंग करते हुए मैं आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। मैं आपको बता दूँ कि आपने इसकी कटिंग करते वक्त, अगर आपका कपड़ा ज़्यादा हो तो आप इसके अंदर आधा इंच, 1 इंच या 1.5 इंच भी कपड़ा छोड़ सकते हैं।
इसी तरह ये देखें हमारी फ्रॉक की कटिंग होगी। अब मैं इसके फ्रंट साइड की यानी कि फ्रंट साइड के आर्म होल की कटिंग करूँगी। इसके लिए सिर्फ हम अपने ऊपर वाली दो तह ही उठाएंगे जबकि नीचे वाली हम तह को नहीं उठाएंगे। अब ये देखें हमारी फ्रंट साइड वाला भी चाक का निशान तैयार है, इसलिए इससे भी मैं आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐसे कटिंग करूँगी। आपने ख्याल रखना है कि आप सिर्फ फ्रंट साइड की भी कटिंग करें, बैक साइड की अगर गलती से भी कटिंग हो जाए तो आपके कमीज ख़राब हो सकती है। अब ये देखिए ये फ्रंट साइड पे भी हमने कटिंग कर ली। अब इसका हम नेक बनाएंगे। यहाँ पे नेक बनाने से पहले मैं यहाँ पे एक कट लगा दूँगी। देखिए अब हम फ्रंट साइड का नेक बनाते हैं। नेक के लिए देखिए मैंने पेपर पट्टी ले ली है और हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच, इसलिए मैं यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और हम अपने नेक की गहराई लेंगे 7 इंच, इसलिए मैंने निशान लगाया 7 इंच पे। अब 7 इंच के निशान से एक सीधी लाइन इस तरह खींची और 3.25 इंच के निशान से भी इस तरह हमने खींच ली। अब 7 इंच के निशान से 2 इंच ऊपर मैं मज़ीद एक निशान लगाऊंगी क्योंकि हम इसे वी शेप में, गुलाई की वी शेप में कट वाला गला बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी का इसे बैन वाला या फुल गोल गला, वी शेप, जैसा भी नेक बनाना चाहे बना सकते हैं। अब ये देखें मैं इसे इस तरह ऊपर वाली साइड से इस तरह हल्की सी गुलाई में शेप दूंगी और नीचे वाली साइड से भी इसे वी की तरह इस तरह थोड़ा सी तिरछा शेप देंगे। अब ये देखें खोल के भी दिखा देते हैं, इस तरह से हमारा गुलाई में और नीचे से इस तरह वी की तरह तिरछा आएगा। अब इसके साथ मैं आधा इंच पे मज़ीद मार्किंग करती हूँ क्योंकि यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, ये हमारे कटिंग वाला निशान हो गया। अब मैं अपने पेपर पट्टी की कटिंग कर देती हूँ। अब ये देखें हमने इसे अंदर वाली साइड से भी इस तरह करके कटिंग कर दी, ये हमारी नेक की कटिंग होगी। मैं इसकी दरमियान वाली तह पे यहाँ पे पेंसिल से निशान लगा देती हूँ ताकि हमें दरमियान में चिपकाना आसान हो जाए। अब मैं इसे फ्रंट साइड पे उल्टी साइड की तरफ चिपका लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बहुत सी वीडियोस में बताया है कि मैं अपने नेक को एक्स्ट्रा कपड़े पे नहीं चिपकाती बल्कि इसे कमीज़ के साथ ही चिपकाती हूँ ताकि हमारा गला दरमियान में बने। मगर मैं अपने नेक एक्स्ट्रा कपड़े पे नहीं चिपकाती बल्कि कमीज़ के साथ ही साथ चिपकाती हूँ, साथ में एक्स्ट्रा कपड़ा लगाकर सिलाई लगाती हूँ क्योंकि इस तरह हमारे नेक आसानी से तैयार हो जाते हैं और वो बिल्कुल दरमियान में तैयार होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा कपड़े पे चिपकाएं तो आपको ख्याल रखना होता है कि आपका नेक दरमियान में बने, लेकिन अगर आप अपनी पेपर पट्टी को कमीज़ की फ्रंट साइड के साथ चिपका रहे हैं तो फिर जिस तरह आप चिपकाते हैं आपका उसी जगह पे नेक बनता है और आपको ये टेंशन नहीं होती कि हमारा नेक दरमियान में शायद ना बने। इसी तरह इसकी उल्टी साइड पर रख के कपड़ा मैंने ये देखें सिलाई लगा ली और अब इसके अंदर मैं 1/4 इंच के जितना कपड़ा रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दूँगी और दरमियान में भी यहाँ पर इस तरह फुल एंड तक कट लगाऊँगी। ये कट हम सिलाई को नहीं लगाएंगे, सिर्फ कपड़े को लगाएंगे और यहाँ पे दरमियान में भी मैं कट्स लगाऊंगी ताकि हमें फोल्डिंग में आसानी रहे। अब ये देखें फ्रंट साइड से मैं इसे इस तरह से अपने नेक को निकालूंगी। देखें इस तरह आसानी से हमारा नेक तैयार हो जाएगा और इसे मैं सिलाई भी लगा लूँगी। अब ये देखें मैंने अपने नेक को सिलाई भी लगा ली और अपने ऊपर से शोल्डर भी अटैच कर लिए क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया हुआ है, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया। और अब हम इसकी ये देखें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखें जिस तरह मैंने चेस्ट के आधा आधा इंच कपड़ा अंदर छोड़ा था उसी तरह हम ये देखें आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखें आधा आधा इंच कपड़ा मैंने अंदर छोड़ा और इस तरह फुल आधा इंच की हम एंड तक सिलाई लगा देंगे अपनी फिटिंग की। देखें मैं इसी तरह साथ साथ में कपड़ा बराबर करते हुए फुल लेंथ तक सिलाई लगा दी। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगाएंगे। इस तरह ये देखें ये मैंने अपनी फिटिंग की भी सिलाई लगा ली। अब हमारी ऊपर से कंप्लीट हो गई है क्योंकि हम स्लीव्स में इसे हाफ कैमरा ही अटैच कर लूँगी। अब ये देखें ये मेरा बॉर्डर है नीचे, इसे भी मैं इस तरह इसके ऊपर रख कर सिलाई लगा लूँगी। और अब मैं आपको अपनी फुल फ्रॉक की लुक दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारी फुल फ्रॉक की लुक आ गई है। ये देखें ये मैंने कैसे एक ये हमारा ड्रेस इतना महंगा नहीं था लेकिन उसकी स्टिचिंग में ये देखें कितना अच्छा और कितनी नाइस इसकी लुक आ रही है। देखें हमने शॉर्ट फ्रॉक बना ली है। ये देखें ये इसकी बैक साइड पे भी इस तरह प्लेट्स आई और फ्रंट साइड पे भी,
और नीचे मैंने बॉर्डर भी लगा लिया। और इसकी जो कैप्री का डिज़ाइन है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये कैप्री का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे प्रीवियस नेक डिज़ाइंस प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखिए और कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you.